ठीक है, 16 सॉरी 20 तारीख को, 20 तारीख को आई वॉज डिक्लेयर एज अ सिल्वर 20 नवंबर 2010। उस दिन अगर यहाँ पे कुछ वीएनआईटी के लोग भी बैठे हैं ना, कौन कौन बैठे हैं, बैठे हैं ना, तो 20 नवंबर को हमारा क्या चल रहा था, किसी को याद हो तो, हमारे एग्जाम चल रहे थे, ठीक है, बिल्कुल एंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा था मैं। लेकिन शायद क्या पक्का बोलता हूँ, पक्का कि मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था अपने हॉस्टल में, अपने पूरे कॉलेज में, जिसको 20 तारीख को एग्जाम देने के 8,000 रुपए मिले थे उस हफ्ते के। इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि मैं पहले से इतना काम कर चुका था कि मुझे उसके रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं। काम करते गए मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई थी, ठीक है, और उस दोस्त ने मतलब ऐसे ही बोल के बुला लिया था कि आजा, तो मतलब कुछ जबरदस्ती दिखा रहा हूँ जो तू बाद में भी कर सकता है अपने, मतलब पढ़ाई करते करते तू अच्छा कर सकता है अपने लिए। मैंने बोला ठीक है। वैसे अपने नेचर के बारे में बताऊँ तो काफी मजाकिया टाइप का हूँ, ठीक है, जो कॉलेज में लोग होते हैं उसी तरीके का हूँ, लोगों की टांग खींचना, मस्ती मजाक करना। लेकिन उस दिन भी मैंने वही किया, अपने दोस्त की अच्छी तरह से खिंचाई की थी, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, ऑफिस ड्राइंग दिखा रहे थे, और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या तू ढीला हो गया है, हाँ तूने कमाए हैं, तू मुझे दिखा रहा है। लेकिन उस दोस्त का रियली 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 थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे जबरदस्ती दिखाया, मेरे पीछे पड़े और आज मुझे इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और उस दोस्त का जब नाम लूँ तो क्या होना चाहिए, अप्लॉज होनी चाहिए। और क्या ऐसे दोस्त के लिए अप्लॉज बैठे बैठे होनी चाहिए? तो हमें लेट अस वेलकम माय फ्रेंड जिसने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, मिस्टर विजय कुमार ममोरिया। प्रेजेंटेशन दिखाई गई, आगे काम करना शुरू किया, इन्होंने वीएनआईटी में काम करना शुरू किया, वीएनआईटी के बाद नागपुर बोल दूं, नागपुर में काम शुरू किया। आज हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे तकरीबन 60 से बड़ा नेटवर्क हो चुका है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो पर्सनल इनकम इज मोर देन 55,000, पिछले दो हफ्तों की इनकम इज 17,500 ओनली, ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो ऐसा ईगो टाइप का इंसान था, ईगो थी, आप सब में भी होगी, काफी लोगों में होगी। लेकिन मुझे एक ट्रेनिंग मीटिंग, एक बहुत ही जबरदस्त इंसान की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कराई गई थी, वहां पे एक जबरदस्त बात बोली थी। जबरदस्त बात क्या बोली थी कि इंसान होते हैं भगवान होते हैं, यस और नो? यस। तो इंसान भगवान से क्या बोल रहा है कि मेरे को कुछ आप देते क्यों नहीं, मैं इतना कुछ कोशिश करता हूँ, मैं हर चीज की कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन आप कुछ नहीं देते। तो भगवान का क्या जबरदस्त जवाब था, और वो जवाब सुन के ही मेरे दिमाग की घंटी बज गई थी कि हाँ बेटा, आज अपने आप को चेंज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और वो भगवान का जवाब क्या था, भगवान बोलता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, हम भी वही करते हैं जो हम चाहते हैं, राइट और नॉट राइट? तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। हम सब कुछ सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स आए, हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स हो, हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हो, हम चाहते हैं कि मस्त मस्त रेस्टोरेंट में सिटी में बैठे हुए घूमे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते, ठीक है। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू होकर जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। इस तरीके की बातें हुई थी, ठीक है। आज मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, उसके बाद से मेरी जो स्क्रू ढीला था वो टाइट हो गया, समझने लग गया। और आज दोस्तों आपके लिए भी ऐसा ही एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जल्दबाजी में इसको निकाल मत देना,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस डेट पर निकल जाएगी आज से वापस नहीं आएगी, आएगी पक्का आएगी, जैसे मेरे लिए आई थी, ठीक है। मैंने, मेरे को 15 महीने हो चुके हैं, 15 और 5 महीने पहले मेरी ड्रॉइंग डेट में मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि आज ऐसे की कुछ प्रेजेंटेशन है और बहुत ज़बरदस्त मजा आएगा, तब उसने शायद ठीक से नहीं बताया था और मैंने समझा भी नहीं था कि मस्ती करने वाला इंसान था। तो वही बात है, ये फिर से आएगी आपके लाइफ में, फिर से आएगी फॉर श्योर, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम आएगी तो उससे बड़ा दुख देकर जाएगी, ठीक है। आज अगर मैं वो पहले ज्वाइन करता तो आज मैं नहीं और होता। तो वही बोल रहा हूँ कि वो भगवान हमारे लिए राजेश जी हैं, जिन्होंने आगे ये बताया है कि करना क्या है, और आप लोग करोगे तो वो जो बोल रहे हैं 24 लाख बोला है ना, ऐसे ऐसे इंसान हैं जिसने 24 नहीं एक साल में 32 लाख रुपए भी कमाए हैं इस में। तो बस आपको वो ही करना है जो ये कह रहे हैं, अब होगा वो जो आप चाहते हो, ठीक है। बस इतना सा कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग स्मार्ट हो। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं माइक नहीं देता हूँ, पता छोड़ते नहीं है, ठीक है। मैंने एक लाइन बोली थी कि मैं VNIT में आटप का, तो VNIT में आटप के तो लाइफ झिंगा लाला होगी, ठीक है। इन्होंने जॉब की एक बात हो रही थी कि जस्ट नौकरी और बॉस, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन समझने वाले के हैं सर। मैं आपका एक हाथ काट के मैं मान लूँ बेचोगे, मतलब सबका अगर 2 हाथ मुझे 5 लाख 50 आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप नेगेटिव भी समझिए, मतलब समझाने की बात कर रहा हूँ। हम अपने आप को जॉब के लिए 2.5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में किसी और को भेज देते हैं कि 8 लाख रुपए दे मैं तेरे लिए काम करूँगा, 10 लाख रुपए दे मैं तेरे लिए काम करूँगा। समझाने की कीमत क्या है, मैंने बड़े फिकम होकर भाव के फटाफट आंसर दिया, आपको मैं देता हूँ आप, लेकिन क्या हम प्लेसमेंट बोल पाते हैं कि आपको मैं ऑफर करता हूँ। बहुत कम लोग सेम वे जो इन्होंने बात बोली भाई, कि मुझे समझ में आई थी कि क्या हम लोग ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं कि यार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये बहुत है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं बताता हूँ। लेकिन एक इंजीनियर को जिसको 20,000 रुपये की जॉब या 25,000 रुपये की जॉब मिलती है, वो चाहता है कि उसको 35 या 40 की मिले, जिसको KT-80 लगती है, जिसको बैग लगता है, उसको 15,000 रुपये की जॉब लगती है, वो चाहता है मुझे 20-25 की मिले। जो BCom करता है, जो BCA करता है, जो BSc करता है, वो चाहता है कि 15,000 रुपये की जॉब मिले, उसको मिलती है 10 या 12,000 रुपये की, सबके लिए जॉब है, लेकिन जॉब इतनी नहीं मिलती जो उसको मिलने के लिए, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए तो बोला जाता है जॉब जॉब फाइंडर बनने से जॉब क्रिएटर बनना पसंद करो, जॉब क्रिएटर बनना पसंद करो, ये मत सोचो कि भारत में आपके लिए क्या रखा हुआ है, भारत में लेकर अपनी गवर्नमेंट आपको कह रही है, कुछ भारत को कुछ देके दिखाओ, कुछ नया कुछ करके दिखाओ, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने जो खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनके बैठे बैठे जोरदार अपलोड हो रही है, ये कुछ समय पहले यही है गुड मॉर्निंग सामने खड़ा रहा एक इंसान, मुझे भी कह रहा था इन्हें डेढ़ घंटे बात चले ना इस गुड मॉर्निंग के बाद, पता है बड़ी सुनी क्या सुनने मिल रही थी हर एक इंसान से, इस बस एक ही बार गुड मॉर्निंग हुई थी, ये 1.5 घंटे बस इतनी बारी हुई थी। जब बाहर निकला कदम रखे तो क्या था? लोग ऐसे तुम्हें पागल हो गया है, तुम्हें 24 लाख दिखा दिए, दिमाग खराब कर दिया तेरा, तो ये सब नहीं होता, लोग नहीं करते, बेवकूफ बना दिया तेरे को, तो तू नहीं कर सकता। मेरा वो दोस्त था, वो पता नहीं कौन दोस्त था, उसको भी नहीं मालूम कौन दोस्त था, लेकिन वो दोस्त था एक जिसका नहीं हुआ, उसने किया था, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं मेरे को ऐसे चीजें कहते ना कारों पर पड़ रही थी, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त बताई गई थी, नया था मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखी थी, नया था मेंटर और प्लान के, मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ तहे दिल से नया था मिस्टर वरुण प्रदेश जी की प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी, और मैंने बताया था छुट्टी सड़क में देखने के बाद एक कहते ना कान बंद हो गए थे, सुन हो गए थे, जो इंसान जो भी कह ले कुछ भी कर ले कानों पर बात पड़ ही नहीं रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। एक कहानी के थ्रू मैं आपको एक चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, क्या हुआ मेरे साथ एग्जैक्टली, क्या हुआ, क्यों आज इतने टाइम के बाद जो भी कुछ टाइम गुजरा इतनी सक्सेस हमारे को कैसे मिली, कैसे मिली। सिंपल सी कहानी है, होता क्या है कि एक मेंढक, कुछ मेंढक होते हैं छोटे मोटे मेंढक होते हैं, उनको एक रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है।
होता क्या है कि एक रेस में बैटमेट करना और सामने एक बॉल है, एक दीवार है, ठीक है, छोटे होते हैं तो एक सामने एक दीवार है, ठीक है, तो कहा क्या जाता है कॉम्पिटिशन क्या लगता है मेंढकों में कि आप क्या करो, जो मेंढक के ऊपर कूद जाएगा वो हमारा राजा घोषित हो जाएगा, जो भी मेंढक जाएगा यहाँ से और इतनी बड़ी बॉल जो पॉसिबल नहीं किसी के लिए, जो कूद जाएगा वो हमारा राजा घोषित हो जाएगा। कई सारे लोग सवाल उठने लगे कि करेंगे नहीं करेंगे, एक मेंढक है छोटा सा, कैसे कैसे बोल के बस कैसे वो ऊपर चला जाएगा, नहीं हो सकता। कई लोगों ने कोशिश की, नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, यहाँ माता बातें सुनने को मिल रही, कभी का अचानक हुआ, वन सीन इज नॉट हैपेंड। क्या देखा लोगों ने कि उस